पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। अब देखो यहाँ पे मैं स्टेशन पे इसलिए आया, स्टेशन पर आने का ये कारण था कि मैंने यहाँ अपना रात स्टे करी थी, रुकने का थोड़ा ऐसे था मेरा, अपने यहाँ रुके रात को और यहाँ से नहा धो के अब हम चल दिए हैं कैंची धाम के लिए। कोशिश ये है कि शाम तक पूरा कवर कर लें। और बाकी के अपडेट के लिए दोस्तों पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। राम राम दोस्तों। तो निकल पड़े हैं हम अगले पड़ाव के लिए। अब यहाँ से सीधा अभी हम हैं हल्द्वानी, ये हल्द्वानी से हम सीधा पहुँचेंगे अब कैंची धाम। और कैंची धाम तक तो मैंने सोच ही लिया कि एक सांस में पार करने की सोच रहा हूँ कि एक सांस में हो जाए, सीधा सोचो शाम को रुकूँगा वहाँ जाके, देखा जाएगा जैसे भी होगा। शाम को दर्शन हो गए शाम को 7 बजे से पहले पहले, वरना सुबह दर्शन करेंगे और मेरठ के लिए फिर से रवाना हो लेंगे। बाकी के अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ हिम्मत भी देना भाइयों, क्योंकि देखे हिम्मत के बगैर कुछ नहीं है। इतनी हिम्मत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और हनुमान जी के दर्शन कर लिए। बस ज़्यादा नहीं, हनुमान जी से केवल इतना मांगा है कि रक्षा करें। इतनी दूर से यहाँ तक आ चुके हैं और बजरंगबली ने भी कह दिया पहुँच जा आ जा, देखा जाएगा जो भी होगा। दोस्तों मिलते हैं, अब बाकी का अपडेट के लिए तो देखते रहिए अंशुमन राजीव यूट्यूब पर भारत विदे यार। धन्यवाद दोस्तों। ये नज़ारे हल्द्वानी के।